बेबे पानी पी ले, ठीक हो जाएगा चाचा। तू पानी तो पी ले। एक बंदा पहले ही बीमार है, दूसरा भी बीमार हो गया तो सारा वजन रशीद पे पड़ेगा ना। इस पानी से क्या नाराजी बेबे। देख, मुझे पता है तुझे मेरे हाथ की रोटी नहीं पसंद, लेकिन मैंने तेरे लिए रोटी बनाई। तू रोटी नहीं खाएगी तो तकलीफ रशीद को ही होगी ना। अब तो उसे अकेली फसल बेचना होगी, चाचा की पहलियों का ध्यान करना होगा। तू क्या चाहती है कि वो घर बैठकर नखरे उठाए और गरीब हो जाए, कर्जा ले? खुदा का वास्ता बहनों, घर की औरतें मिलकर ना रहें तो घर से बरकत उड़ जाती है, बरकत उड़ जाए तो कर्जा आता है और कर्जे के साथ सूद। अब और कोई ना इतनी भी नहीं बनेगी और ना ही आत्मा। नहीं बाबू, नहीं, 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 नहीं। ये बीमारी बंदे को कब्र की कंधों तक लेके जाती है। नहीं, मेरा पास जा दे। रोटी खा ले बेबे। कब तक नहीं बोली? तेरा मेरा तो सारी उम्र का साथ है। ना मुझे यहां से जाना है और ना ही तुझे। घर वाले आएंगे? नहीं, कोई नहीं आएगा। अब कोई भी नहीं आएगा बेबी। तुझे कैसे पता? मुझे पता, अगर उन्होंने आना ही होता तो मुझे निकालते क्यों? जानी तुझे मेरा इत्तबार क्यों नहीं आता बेबी? तुझे मुझ पे इस बात का गुस्सा था ना कि मैं कोई काम नहीं करती। अब देख, देखना तू सब काम कर, घर का भी, भैंस का भी, पानी भी भर कर लाऊंगी और तुझे तुझे दबाऊंगी भी। भूई के साथ जो जुल्म हुआ उसमें उसने मुझे कभी अपना साझेदार नहीं बनाया, बल्कि उसने तो मुझे इस तरह प्यार किया जैसे मैं उसकी अपनी बेटी हूं। आखिर क्या रिश्ता है उसका और मेरा? तेरा और उसका दर्द का रिश्ता है फातिमा, और पीड़ का रिश्ता दुख के रिश्ते से बड़ा बड़ा होता है। यही रिश्ता तेरा और मेरा भी तो है। तेरा भी रशीद के सिवा कोई नहीं और मेरा भी कोई। चलो रोटी खा लेना। Thank you.
लिया।